पाकिस्तान से आए कितना टाइम हो गया भाई? हमको आए हुए को ये 13, 14 से 11 से आए रहे हैं। कोई हजारों घर में, 500 घरों में एक घर आया हुआ है, एक बेटा आ गया, एक पोता आ गया, वो अपने छोटे छोटे बालक लेके वो आ गया, दूसरे परिवार, घर, बहने, भाई सब वहाँ हैं। तो पाकिस्तान में जो धर्म परिवर्तन होता था उसके बारे में आपका क्या विचार है भाई? वो तो इसीलिए ज़बरदस्ती वो है। अभी हमारी ज़मीनें हैं, हम कारोबारी आदमी हैं, अभी हम कारोबारी आदमी, किसान आदमी है, हमें किरणों का हम कारोबार करते हैं वहाँ, फल फ्रूट का। जब ये हम किसान आदमी, फिर भी हमको बोलता है आप हिंदू हो, काफर हो, आपका क्या है? काफर का कुछ भी नहीं होता है, जो फल फ्रूट खेत भी लगा देवे वहाँ के जो मुसलमान, बल्कि हिंदू की खेती है। हाँ, तो ये हमें कमी समझते थे, पर हमारा मान सम्मान नहीं था। ज़मीनें, जागीरें, पूरा भारत तो वही सिंधु नदी था, मुसलमान तो बाद में आए वहाँ पे, वहाँ तो वो सिंधु नदी था, सिंधु ही था, हमारा भारत था, पूरा भारत थे, हमारे दादा परदादा वहाँ रहे, वो पूरा भारत था। फिर ये पता नहीं बीच में कौन सा रोला डाल के और उसको ये पाकिस्तान कर दिया, ये नहीं, वो हमारे दिल से वो पाकिस्तान नहीं है, वो सिंध है, वो सिंध प्राण है, वो सिंध प्राण में उधर हिंगलाज है, हिंगलाज है, बड़े बड़े वहाँ अवतारी संत महात्मा आए हुए हैं, तो वो सिंधु नदी हमारी है, सिंधु भारत है। तो इसीलिए वहाँ फिर वो जाति इनों की, कोई कटवे, कोई पता नहीं जालम, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ के, कोई लोग पठान लोग ज़बरदस्ती करने वाले, उनका काम क्या? चोरी करना, डकैती करना, मारना और लूटना, वही उनों का काम है, वो किसान नहीं है। वो तो ये बोलते हैं ये बाईपास चल रही है ना, ये बाईपास पे यहाँ से वो खड़े हो जाते हैं, खड़े हुए बाईपास को लूट ले रहे, ये उनका पेशा है, उनका कारोबार है, उनकी नीयत है, उनकी मुसलमानों की, ये नहीं सोचेंगे भाई ये क्या चीज़ है। ठेला वाला जाएगा ना, ठेला बेच के बच्चों की रोज करने के लिए, वो ठेले के पैसे है ना सब्जी के, वो भी छीन लेते हैं। तो आपको वहाँ पर ये बेरोजगार वो करने नहीं देते थे, और जॉब जितना भी काम करते थे आपको जान मतलब उनको पकड़ के आपको उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता था वहाँ पर भाई? ये हमारी ज़मीन है, वहाँ ज़मीन, चलो ये तुम्हारी जगह पे रहो, ना तो गुंडागर्दी वहाँ चालू हो जावे, वो ज़मीन ही छीन लेवे हथियारों के जरिए से, वो ज़मीन है वहाँ की, प्लाटिंग है शहरों में, वो लतियाबाद में हमारी छीनी गई, ज़बरदस्ती छीनी गई। फिर हम कहाँ जावे? हम तो बोला कि जब ही तुम मुसलमान बन जाओ फिर रहो, मुसलमान नहीं बनो तो जाओ। तो अगर आप वहाँ मुसलमान नहीं बनते तो आपको वहाँ से भगा दिया जाता था? हम बोले भाई हमारी ज़मीन जाए तो जाए, कुछ भी जाए, पर हमारा धर्म नहीं जाए, हम धर्म के हितकार हैं, धर्म हमारा नहीं जाएगा। क्यों? तो आपका धर्म नहीं जाएगा इसलिए आपने वहाँ से पाकिस्तान छोड़ दिया और आप यहाँ पर आ गए? हाँ, मैंने धर्म नहीं छोड़े, हमने इतने आए हैं, हमने धर्म नहीं छोड़ा। हमारा कोई भी बागड़ी जाति, हमारी शरणार्थी जो है, कोई भी मुसलमान, जब मुगलों से लेकिन आज तक कोई भी मुसलमान नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ, अपने सनातन धर्म, और हम धर्म के हितकार रहे, और हमारा धर्म हमने नहीं छोड़ा, धरती छोड़ दी। अभी मेरी परिवार है, 5,000 घर हैं, भाई बहनें, मेरी परिवार है, भाई है मेरे, बेटे हैं मेरे, मेरे 22 बच्चे हैं, 22 मेरी परिवार है, बेटियां बेटियां हैं मेरी, बेटे हैं, उधर शादियां करके बेटियों को अपने अपने घर में छोड़ दिया, दे दिया, मेरे छोटे छोटे बालक में 7-8 लेके मैं अपने अपने यहाँ पे आ गया, अपने धर्म बचाने के लिए। क्यों? तो उस बच्चों को धर्म का पता नहीं, मुसलमान माँ बेटियों बेटियों को तो पढ़ाते ही नहीं थे, ने बेटों को ही पढ़ाते थे, क्यों वो धर्म का नहीं है? हम इसी धर्म के लिए हमारे भारत में चले जाए। मैंने बोला पता नहीं मरने वाले तो मर जाएंगे, धोते पोते दुआएं तो ये देते जाएंगे, हमारे दादा थे कोई भारत मैया के गोद में छोड़ गया, हम इसीलिए हम भी कोई आगे भारत मैया में। आज हमें इतनी परेशानी थी तो हम बाहर किसानी काम नहीं कर सकते थे। हम तो हर चीज़ आम खेता खेती बाड़ी, हम तो व्यापारी आदमी हैं, हम तो वहाँ मुसलमान व्यापार का काम नहीं करते हैं, वहाँ हिंदू करते हैं, करोड़ों अरबों का बगीचे हिंदू संभालते हैं, हिंदू का कारोबार है।
तो पाँ को जलन होती, भाई हिंदू होकर इतना कारोबारी इतना धन, धर्म की बात है इतना था, फिर भी सारी रात हम जागते थे, जो कुत्ता था ना वो कुत्ता भौंकने वाला वो भी उठा कर ले जा रहे, इतनी इतनी सारी रात। आज तो बच्चे यहाँ से आए हैं सकून से सो रहे हैं, बच्चे धर्म की पता चल रहा है, होली दिवाली का पता चल रहा है, माता नौरात्रों का पता चल रहा है, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ रहे, रामायण उनकी सुन रहा है, सुबह आरती सिमरन भजन उनको बताऊं, बच्चों को पता चल रहा है भाई हमारा धर्म ये है। तो आपका ये कहना है कि वहाँ अगर आप जितने भी यहाँ पर हिंदू हैं, अगर वो हिंदू नहीं रहते तो उनका धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, और अगर वहाँ हिंदू रहेंगे तो वो जी नहीं पाएंगे अच्छे से। भाई आज प्रथम देखो वहाँ एक न्यूज़ चल रही है, पता नहीं कौन से चैनल पे, कितने हिंदू ओडों को वहाँ कलमा पढ़वा रहे ज़बरदस्ती, गरीबों को नहीं तो उनको हरी पगड़ी वाले मार देवे, वो हरी पगड़ी वाले जालम वो मार देवे, जबर मुसलमान बनो तो बनो, न तो तुम काफर हो। हमारे लिए मादर जो तो 70-70 हो रहे हैं, और तुम्हारी एक एक घरवाली है हमारी 70-70 हो रहे हैं, ये हैं, तुम जन्नत के क्यों ना। मैंने बोला भाई तुम्हारा जन्नत तुम रखो, हमारा धर्म हम रखेंगे काय, और इसीलिए दिल आत्मा नहीं फंसे हुए हैं वहाँ बच्चे, इनकी कोई बीजेपी कोई भारत सरकार को उनकी मदद करे तो उन पीड़ाओं को, वो अर्थियाँ ले लेके बैठे हुए हैं, आज 10-10 साल हो गया वो अर्थियाँ लेके हरिद्वार में नहीं आए। माता पिता जय श्री जो हैं वो वचन कर देते हैं, बेटा हमारे कुल में कोई भी हो जो हमारी अर्थियाँ हरिद्वार लेके आना, आज 10-10 साल हो रहे कोई पर्थी ले लेके नहीं आ रहा, हमें दुख हो रहा। आप पाकिस्तान से आपको आए हो कितना टाइम हो गया? आज मेरे को 19 साल हो गए हैं, आज मेरे को 19 साल हो गए, बच्चे वहाँ दुखी हैं, अर्थियाँ ले लेके उनकी पासपोर्ट बनवाते हैं वही लूट लेते हैं, बनवा के बोले के हैं नहीं, फिर वो बच्चे रात दिन कमाते हैं, रात दिन उनकी एक हालत, वो दूसरे छोड़ो गेहूं काटने के लिए जावें वो गेहूं भी मादरचोद छीन लेते हैं उनसे निवाला, इतने जालम हैं वो। आज हमारे पे भगवान की कृपा हुई है मोदी सरकार की, जो आज हमें इतनी खुशी हुई है, जो हमारे बच्चे बहुत आनंद से इधर पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं, और हमें इतनी भी उम्मीद है भाई, हम किसान हैं हम कारोबारी हैं, मोदी आया है तो हमें भी यही काम पे हमें भी लगा देगा, क्यों तो हम ये दो और तो काम किसान आदमी कारोबारी मंडी के आदमी, हम मंडी के कारोबार आदमी, बच्चे हमारे सदा सुखी रहे हुए, कभी दुख देखा नहीं बच्चों ने, हम ऐसे भविष्य छोड़ के बंगले महल हम इसीलिए आए। फिर अभी जो हमारी भी ये जो सुन ले गए तो एक भजन में बोला है, भजन सुनो कि ये दुनिया कब चुप रहती है, ये दुनिया कब चुप रहती है, कहती है तो कहने दे, अरे मोदी मत करिए दुनिया की बात सजन, कहीं ये बीत न जाए रात सजन। तो हमारी इतना ही प्रार्थना है मोदी से, क्यों तो हम कारोबारी आदमी हैं, हमें नागरिकता भी मिल गई, और हमें किसान आदमी हैं तो हम कमाएंगे खुद खाएंगे और क्या, हम हजारों के पेट पालेंगे, हम ऐसे नहीं, हम कारोबारी आदमी हैं, हमारे मन से यही आत्मा निकलेगी, पूरे भारतवासी संत महात्मा मीडिया वालों को हमारी यही विनती है, हमें सहारा जो मिल जाएगा तो हम बोलते रहेंगे जय श्री राम जय श्री राम।